मुजफ्फरनगर में देर शाम चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक छात्र बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने 40,000 की नकदी, एक मोटरसाइकिल, एक देसी तवंचा और खोखे कारतूस बरामद किए हैं। बदमाश का एक साथी अंधेरे की आड़ लेते हुए जंगल में घुस गया। पुलिस ने जंगल में घुसे बदमाश को ढूंढने के लिए काफी देर कैंपिंग अभियान चलाया, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। दरअसल छपार थाना क्षेत्र की रामपुर रही रोड पर छपार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी सामने से बाइक आते देख पुलिस ने बाइक सवार को रोकने का इशारा किया, तो बाइक सवारों ने बाइक रोकने की बजाय पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर बाल बाल बचा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश जंगल में घुस गया। घायल बदमाश की पहचान खतौली थाना क्षेत्र के टिटोड़ा गांव निवासी अरुण के रूप में हुई है। अरुण सातिर किस्म का बदमाश है, जिस पर लूट, अपहरण और बलात्कार जैसी एक दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। अरुण पर खतौली, मुरादनगर, मंगलौर और थाना भवन से मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। पुलिस बदमाश की कुंडली खंगालने में लगी है और फरार बदमाश की धरपकड़ में जुट गई है। मुजफ्फरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। पुलिस जो है एक चेकिंग करा रही थी छपार पुलिस आज, और वहां से एक मोटरसाइकिल गुजरी, तो जैसे रोकने का प्रयास किया गया तो उस पर दो बदमाश थे जो नहीं रुके और पुलिस के ऊपर उन्होंने जो है फायरिंग की। उसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। जब पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे घायल हो गया और दूसरा बदमाश वहाँ से मौके का फ़ायदा उठा के फरार हो गया है। इसके बारे में जानकारी मिली है कि ये 376 के मुकदमे में एक 376 के मुकदमे में 7 साल की सज़ा काट चुका है और इस पे 8 से 10 मुकदमे अभी तक प्रकाश में आए हैं, जिसमें कि लूट जैसे मुकदमे हैं और इसके पास से एक बाइक बरामद हुई है जो अभी प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत होती है कि शायद चोरी या लूट की है, और इसके पास से 40,000 रुपये कैश, एक अवैध तमंचा जिसमें 3 जिंदा कारतूस और 2 कारतूस वो जो जिसने पुलिस पे इसने फायरिंग की थी वो कारतूस बरामद हुए हैं। क्या पूछताछ में बताया कहीं कोई घटना को अंजाम देने जा रहा था? ये अभी एक्चुअल में जब ये मुठभेड़ हुई है तो वो अभी ऐसी स्थिति में नहीं था, बोलने वाली स्थिति में, बाकी इससे जो है जानकारी की जा रही है। और अभी तक इतना पता चला है कि उत्तराखंड में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, अनेकों थानों में मुकदमे दर्ज हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं से किसी ना किसी मामले में वांटेड भी हो।